कक्षा का छात्र था। वह बहुत अच्छा लड़का था। चौथा घंटा शुरू हुआ। अध्यापक से आज्ञा लेकर वरुण पानी पीने के लिए जा रहा था। खेल के मैदान को पार करते हुए कुछ दूरी पर उसे कोई चीज दिखाई दी। उसने वहां जाकर देखा, यह घड़ी थी। वरुण ने घड़ी उठा ली और पानी पिए बिना ही वह अपनी कक्षा की ओर लौट आया। उसने कक्षा अध्यापक को घड़ी सौंप दी। कक्षा अध्यापक ने वह घड़ी प्रधानाचार्य को दे दी। देखिए यहाँ पर है वरुण जो अपने कक्षा अध्यापक को घड़ी दे रहा है। यहाँ पर देखिए सब बैठे हैं विद्यार्थी। अगले दिन प्रार्थना सभा में प्रधानाचार्य जी ने छात्रों को खोई हुई घड़ी की सूचना दी और जिसकी घड़ी खोई थी उस छात्र को बुलाया। घड़ी 12वीं कक्षा के छात्र जफर की थी। घड़ी पाकर वह बहुत खुश हुआ। उसने वरुण को धन्यवाद दिया और सभी उपस्थित छात्रों ने ताली बजाकर वरुण की ईमानदारी की सराहना की। इस हम कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी की कोई भी चीज़ मिले तो हमें उसे चीज़ लौटा देनी चाहिए। देखिए ये जो वरुण लड़का था वह बहुत अच्छा लड़का था। उसने एक घड़ी पाया और वह अपने प्रधानाचार्य को लौटा दिया और वो जिसका घड़ी था उसको मिल गया। इसलिए सब बच्चों ने उसके लिए ताली बजाई और उसकी सराहना की। धन्यवाद।